हेलो गाइस हाउ आर यू आज ये राइटिंग के ऊपर है एक्चुअली बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सेवन बैंड प्लस राइटिंग चाहिए ठीक है सो पहले तो आपने अगर सेवन बैंड जाना है ना सेवन बैंड प्लस जाना है राइटिंग में तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स चाहिए ठीक है आप सब बता दो देते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स चाहिए ठीक है और इवन उसके टाइप्स भी बता देते हैं कि लाइक like सिंपल लिखो कॉम्प्लेक्स लिखो कंपाउंड लिखो कॉम्बिनेशन लिखो ठीक है बट रेयरली कोई बताता है कि कैसे एक आप सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाओगे ठीक है सो अगर आपकी यही क्वेरी है तो आप बहुत सही जगह पे हो ठीक है आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बनाऊंगी कि आप एक सिंपल सेंटेंस से कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो जो कि आपकी हेल्प करेगा सेवन प्लस बैंट लेने के लिए और नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी कि आपने जैसे कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं सिंपल सेंटेंसेस से ठीक है सो so, सबसे पहले जब हमने कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हो ठीक है कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं तो हमें जो है उसके लिए कुछ लिंकर्स चाहिए होते हैं ठीक है थीके? अब वो लिंकर्स कैसे लिंकर्स होते हैं ठीक है थीके? अब मैं ये बताती हूँ कौन कौन से लिंकर्स लगा के ठीक है क्या होता क्या वैसे ठीक है मैं इसको कोई हाईफाई नहीं लेके चल रही ठीक है क्या मतलब नॉर्मली क्या बात हो रही है कि क्लॉजेज ये वो ठीक है मैं बस ये चीज़ ध्यान रखो सिंपल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तो पता ही है ठीक है, जैसे कि कार्स पोल्यूट द एनवायरमेंट ठीक है कार्स पोल्यूट द एनवायरमेंट एक नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है अब अगर इसमें हमने कुछ इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो क्या करो इसमें लिंकर्स ऐड करो ठीक है लिंकर्स क्या ऐड कर सकते हो आफ्टर बिफोर बिकॉज ऑल दो वेन सिंस इफ वेन एवर अनलेस वो दैट इवन दो हुएवर ठीक है ये सारे लिंकर्स मतलब जो आप ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या तो अगर आप कुछ एक सिचुएशन के बाद दूसरी सिचुएशन हुई तो आफ्टर लगाओगे ठीक है कोई दूसरी सिचुएशन से पहले कुछ बता रहे हो तो बिफोर लगेगा ऑल दो जैसे एक आप कुछ इसमें कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हो ठीक है अब नॉर्मली हमने ना सेंस वैसे सुना होता है कि लाइक like, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में ठीक है जैसे कि लाइक ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग सुबह से पढ़ रहा है अब वहाँ सिंस हम जो है टाइम पीरियड के लिए बता रहे थे अब यहाँ पे सिंस एज की फॉर्म में भी यूज होएगा ठीक है so, सो ऐसे कनेक्टर्स आप यूज करके ठीक है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपना एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो जैसे कि अब मैंने बनाया यू सेंटेंसेस ठीक है अब देखो सिंपल सेंटेंस लिखा व्हीकल्स कॉज एयर पोल्यूशन व्हीकल्स क्या करते हैं एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं अब इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे बना रही हूँ व्हीकल्स कॉज एयर पोल्यूशन बिकॉज देयर इंजन एमिट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ठीक है अब क्या बताया अब देखो व्हीकल्स कॉज एयर पोल्यूशन एक कंप्लीट है सेंटेंस बट अगर आपने अच्छे बैंड में जाना है तो क्या करो उसमें रीजन बता दो ठीक है इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दो तो क्या किया क्यों क्यों एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं क्यों क्योंकि क्यों? उनके इंजर्स जो है उसमें वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एमिट करते हैं बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ठीक है एटमॉस्फेयर में इसी के कारण व्हीकल्स जो है एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं अब एक तो वे हो गया आपका इस वे के साथ लिख सकते हो अपना सेंटेंस दूसरा वे क्या है बिकॉज व्हीकल्स एमिट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर कोमा दे एयर पोल्यूशन कोमा मैंडेटरी है यहाँ पे अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपका गलत चला जाएगा ठीक है सो एक तो भी हो गया कि बिकॉज सेंटर में लग गया एक भी हो गया बिकॉज पहले लग गया ठीक है सो ये सिर्फ बिकर्स के लिए नहीं है ये सारी चीज़ों के लिए है। चाहे आप ओल दो लगा रहे हो चाहे आप वेन लगा रहे हो सिंस लगा रहे हो कोई भी ऐसा लिंकर लगा रहे हो स्टार्टिंग में तो क्या आएगा सेंटर में जो लाइक नेक्स्ट like जो सेंटेंस रहेगा उसके बीच में कॉमा लगेगा और अगर आप कॉमा नहीं ऐड करोगे तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत चला जाएगा सो तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना ठीक है अब जैसे ओल दो के साथ मैंने लिखा है ऑल दो पल्यूशन इज अ मेमत प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड इट कैन भी सोल्व बाई ग्रोइंग अ लार्ज नंबर ऑफ़ ट्रीज ये कि जो पोल्यूशन है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वो सोल्व हो सकती है कैसे बाई ग्रोइंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज जो है ग्रो करेंगी तो उससे ये सोल्व भी हो सकती है प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व भी की जा सकती है ठीक है सो Please like, subscribe, and share with your friends. And don't forget to press the bell button to get more updates. Thank you.